में घूम रहे हैं हमारे पार्टी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, ठीक है, उनके द्वारा 17 महीने के कार्यकाल में जो काम किया गया था उसको हम लोग जन जन तक इनको मदद कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत भी कर रहे हैं, जहाँ तो होगा इनके संग में उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, उनके आने से हम लोगों को बहुत खुशी है। और मेन बात यह है कि जिला के रहने वाले हैं, प्रॉपर हमारे जिला में और जिला में ही रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं रोज अहमद। सीवान दरबार परिवार के अनवर बाबू का क्षेत्र में दौरा हुआ धुआंधार। आपको बता दें कि बहड़िया विधानसभा क्षेत्र के शेखपुरा गांव में पहुंचे हुए थे अनवर बाबू, जहां जनता ने जमकर उनका स्वागत किया और फूल माला पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा कि दरबार परिवार को कौन नहीं जानता, यह परिवार खानदानी रईस है, पैसे से और दिल से भी। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग बहड़िया के विधायक अनवर बाबू को मान चुके हैं। बता दें कि बहड़िया में वर्तमान विधायक बच्चा पांडे हैं, इसके पूर्व में श्याम बहादुर सिंह रह चुके हैं जो जदयू से थे, लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से बहड़िया में विकास नहीं हो सका। यही वजह है कि बहड़िया की आम जनता को आज भी एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश है, जिसमें अनवर बाबू बिल्कुल फिट बैठते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, जब वो बहड़िया के शेखपुरा गांव पहुंचे तो उनके पक्ष में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और यह भीड़ उनके पक्ष में एकजुट हो रही है। बता दें कि अनवर बाबू बहड़िया से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं, हालांकि अभी भी विधानसभा चुनाव में कुछ माह बाकी हैं। वैसे में इस तरह का सहयोग पाकर अनवर बाबू काफी गदगद हैं। उन्होंने कहा कि जन समर्थन पाकर अनवर बाबू काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है ये क्षेत्र, इस पर हमारे पार्टी के नेता तो आइए बात करते हैं। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा 17 महीने के कार्यकाल में जो काम किया गया था उसको हम लोग जन जन तक पहुँचा, और जिस तरह से नौकरी दी गई, ठीक है, 5 लाख नौकरी दी गई, 3 लाख प्रक्रियाधीन था, और उसके बाद से आप लोग देख रहे हैं कुछ उस तरह का काम हुआ नहीं, और भी बहुत सब काम है। तो अभी हम लोग पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं, अपने लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। क्षेत्र में आप देख रहे हैं किस तरह से समर्थन लोगों मिल रहा है, आपको फूल माला पहना के स्वागत किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग जैसे पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं, अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी और ऐसा लगता है तो हम पब्लिक के बीच में आएंगे। यूसुफ जी जो आप तो क्या लग रहा है उनका किया हुआ विकास आपके लिए अच्छा हो रहा है? जी जी जी, हम लोग शुरू से ही हमारे परिवार इस राजनीति में रहा, पिछले कुछ दिनों से गैप हो गया था और हम लोग उसमें आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, और अभी फिलहाल हम लोग को चुनाव में तो भी बहुत समय है, पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। और पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कामों को जन जन तक पहुँचाना है, ठीक है, और जैसा जो भी पार्टी आदेश करेगी या सीमान का शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा उस हिसाब से अगर हमको वो टिकट देता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी? जी, हम ऐसा लग रहा है जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, इसके लिए मतलब हमको लग रहा है कि सीवान में पार्टी मजबूत होगी। जी जी जी, पूरे सीवान में हम लोग जितना हो सकेगा मेहनत करेंगे और हम लोग यही चाहेंगे कि बढ़िया से ये करें, फिर हमारे इधर का जो हो डेवलप हो। ये रसूलपुर बाजार है और ये विधानसभा क्षेत्र का है, ये रसूलपुर बाजार विधानसभा इनको मदद कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत भी कर रहे हैं, जहाँ तो होगा इनके संग में है। अब इनका जीतने के बाद क्या परिणाम होगा आगे कुछ हम लोग करेंगे तभी है, अभी उनसे क्या कहा जाए। मेरा नाम अमजद खान। इसी तरह का कोई भी अगर कोई बात होती है तो बहुत इजीली और आसानी से हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, कोई भी मदद हम लोग लेना चाहें ले सकते हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं और दिलो जान लगा के मेहनत करेंगे, और हम लोग अभी से ही अपना विधायक इनको मान लिए हैं।
इनके जो पूर्वज रहे हैं यूनुस बाबू सुल्तान के शासक रहे, काफी सामाजिक थे। देखिए वो तो ज्यादा एजेड है और हम लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है, हमारे गार्जियन पेरेंट्स को बताते हैं कि बहुत अच्छे स्वभाव के सारे लोग हैं थे और करते थे, तो हम लोगों को लग रहा है कि उसी नक्शे कदम पर ये भी चलेंगे और हम लोगों को हर तरह से मदद इनसे मिलेगी, यही उम्मीद है। खानदानी लोग रही है।